नाम दानिश है, काम बुराई का एक पैगंबर, ओहदा किंग ऑफ फेयरवुल्स। अपने पिता लूसीफर और दोस्त पेनीवाइज के बाद मैं तीसरा सबसे शक्तिशाली शैतान हूँ, जिसके गुलाम तमाम बुरी ताकतें हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक शैतान हूँ और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और इकलौता सच है। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने बहुतों को मौत की घाट उतारा है सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, पर फिर भी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि पहले मैं भी एक आम लड़का था। मैं अपनी इच्छा से शैतान नहीं बना, बल्कि पेनीवाइज के दिए हुए श्राप ने मुझे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया। 10 साल बाद जब वो श्राप पूरा हुआ तो उसने मुझे एक शैतान, एक वेयरवुल्फ बना दिया। वेयरवुल्फ बनने के 10 साल के प्रोसेस में मुझे हर एक दिन एक असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा। आज भी जब मैं इंसान से अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मुझे एक असहनीय दर्द का एहसास होता है। इस दर्द भरे श्राप के साथ मैं अब और जिंदा नहीं रह सकता था, तो मैंने फैसला किया कि मैं एक बार फिर अपने दोस्त पेनीवाइज से मिलने कब्रिस्तान जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सिर्फ पेनीवाइज ही है जो मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बता सकता है। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद मैंने पेनीवाइज को समन किया और वो मेरे सामने प्रकट हो गया। पेनीवाइज ने बताया कि मेरे सारे सवालों के जवाब सॉल्वन क्रीक में मिलेंगे। उसने कहा, तुम सॉल्वन क्रीक जाओ, वहाँ एक शैतान भेड़िया हंटर रहता है, तुम उससे मिलो और उसे बताना कि तुम आज से नए किंग ऑफ वेयरवुल्फ्स हो। इसके बाद वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, पर मेरी एक बात याद रखना, उसे इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम ये सब नॉर्मल होने के लिए कर रहे हो, वरना इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारा मुकाबला अब सिया से है, वो फरिश्तों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, पर अभी वो अपनी शक्तियों से अनजान है। पर जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि वो एक आम लड़की नहीं बल्कि फरिश्तों की सबसे शक्तिशाली संतान है, तो वो एक सेकेंड नहीं लगाएगी तुम्हें मारने में। इसलिए तुम्हें अब अपनी पहचान बदल लेनी चाहिए। जाओ और अगले मून नाइट तक किसी भी तरह उस चीज़ को ढूंढो जो तुम्हें सर्वशक्तिमान बना देगा। अगर तुम उसे अगले मून नाइट तक नहीं ढूंढ पाए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बनकर ही रह जाओगे। इसके बाद मैं उस रात ही सॉल्मन क्रीक के लिए फ्लाइट से रवाना हो गया। सॉल्मन क्रीक पहुँचने के बाद मैं पहले हंटर के घर गया, पर शायद वो वहाँ नहीं था, इसलिए मैं वहीं उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो बाहर से आया। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक अधेड़ उम्र इंसान है। उसके चेहरे पर छाई हुई गंभीरता उसके व्यक्तित्व की पहचान दे रही थी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद मैंने उसे बताया कि मुझे पेनीवाइज ने भेजा है और आज से मैं वेयरवुल्फ्स का नया राजा हूँ। मैंने हंटर से पूछा कि अच्छा बताओ, आखिर वो चीज़ क्या है जो हम वेयरवुल्फ्स को सभी शैतानों में सबसे अधिक शक्तिशाली बना सकती है। हंटर ने बताया कि वो देवताओं की बनाई हुई सबसे नायाब चीज़ों में से एक है। वो एक तालिस्मान है जिसे धारण करने वाला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और कोई भी नापाक ताकत उसका सामना नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ एक नेक इंसान ही कर सकता है। और शायद यही वजह है कि कई बार तालिस्मान हाथ लगने के बाद भी हम उसकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएं, क्योंकि हमारी रूहें इस हद तक नापाक हैं कि स्वर्ग के अमृत से भी वो पाक नहीं हो सकती। थोड़ी देर तक सोचने के बाद मैंने उसे कहा, एक रास्ता है। पर तुरंत उसने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि अगर हम किसी पाक इंसान को गुलाम बनाकर उसकी मदद से तालिस्मान की सारी शक्तियाँ शैतानों को दिलवा दें। पर यह भी उतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। सिया फरिश्तों का वो अंश है जो अपनी जान दे देगी पर तालिस्मान तक किसी को भी नहीं पहुँचने देगी। मैंने उससे उत्सुकता से पूछा कि क्या तुम सिया को जानते हो। उसने कहा, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूँ। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो अपनी माँ से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। और जहाँ तक मेरा मानना है, वो बहुत जल्द ही अपनी शक्तियों के बारे में जान जाएगी और तब हमारे लिए उस तालिस्मान को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तालिस्मान के बारे में ये सब सुनकर मेरे अंदर का लालची शैतान जाग उठा और अब मेरा मकसद भी बदल चुका था। अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली शैतान बनना चाहता था। ताकत की चाह ने मुझे पूरी तरह अंधा कर दिया था। मैंने सॉल्मन क्रीक के लोगों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। टाउन में इन रहस्यमयी मौतों को देखते हुए वहाँ की सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। मैं वहाँ एक आम इंसान बनकर रहने लगा। मैंने वहाँ के एक स्कूल में एडमिशन भी करवा लिया था। और मेरी किस्मत तो देखो, जिस स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया था उसी स्कूल में मुझे सिया भी मिल गई। और अब मेरा उस तालिस्मान तक पहुंचने का रास्ता और भी आसान हो गया था। मैं धीरे धीरे सिया के करीब आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे।